हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ आलिया भट्ट के हैंड का। तो यहाँ पर मुझे इनकी काफ़ी क्लियर पिक मिली है जिसमें उनकी लाइंस काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए थोड़ा क्लोजअप लेकर चेक करते हैं इनकी लाइंस को कि क्या क्या स्पेशलिटी है इनके अंदर, कैसी इनकी नेचर रहेगी और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले थोड़ा क्लोजअप लेना चाहूँगा फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड शो हो रहा है और लेफ्ट हैंड। सबसे पहले फिंगर्स को चेक करते हैं। फिंगर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी तर्जनी फिंगर है, दोनों हाथों में आप देख सकते हैं उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, अपोलो से कहीं ज़्यादा। और लगभग इनकी तर्जनी की जो लेंथ है वह इनकी जो शनि की फिंगर है, सैटर्न फिंगर के बिल्कुल इक्वल पहुँचती दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं इनकी देख पा रहा हूँ। और इस बृहस्पति फिंगर के काफ़ी अच्छे लेंथ होने की वजह से व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकता है और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा एक तरह से नाम कमा सकता है। और थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी रहती है। और उसका दूसरा रीज़न मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो है एक तरह से यहाँ पर इनकी लाइन का अलग अलग चलना। यह इनकी लाइन है माइंड की और यह नीचे वाली लाइन है इनकी लाइफ की। दोनों में काफ़ी बड़ा गैप है और दोनों ही हाथों में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों हाथों में ही जो लाइन है इनकी माइंड की, वो बिल्कुल अलग चल रही है इनकी लाइन ऑफ लाइफ से, जिसकी वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है इनकी और सारे फैसले अपने ये खुद लेती होंगी और किसी के दबाव में ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। और एक और चीज़ नेचर जाने के लिए चेक करते हैं, वो है इस फिंगर का डिस्टेंस। अगर आप देखें यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है इस फिंगर का। नॉर्मली क्या होता है, जो मर्करी फिंगर है अगर वो सेपरेट होती नजर आए तो व्यक्ति काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव का होता है। तो ऐसा ही कुछ इनके हाथ में भी मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर इनकी रहने वाली है। ओवरऑल वीनस माउंट बहुत अच्छा है जो इनको फेम दिलवा रहा है। वीनस माउंट पे कोई भी मुझे ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। और स्क्वायरिश हैंड है यहाँ पर इनका, वो भी आप देख सकते हैं स्क्वायरिश हैंड है, बहुत ही मेहनती नेचर जिसकी वजह से इनकी है। तो काफ़ी अच्छी लाइंस हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर आपको राइट हैंड में अपोलो लाइन भी काफ़ी क्लियर दिखाई देगी और यहाँ पर हल्की मर्करी लाइन भी दिखाई दे रही है। अपोलो लाइन के होने की वजह से फेम काफ़ी मिलता है और फिंगर्स का काफ़ी स्ट्रेट होना एनर्जी और स्टैमिना व्यक्ति को देता है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, काफ़ी अच्छा स्टैमिना रहने वाला है इनके अंदर। थम्स भी मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्टिफ हैं, फ्लैक्सीबिलिटी थम्स के अंदर नहीं दिखाई दे रही। हार्ट की लाइन अगर देखें तो थोड़ा सा टिल्ट हो रही है यहाँ पर, हार्ट की लाइन इनकी बिल्कुल क्लियर है और ऊपर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इमोशनल पर्सनैलिटी भी कही जा सकती है। माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है जो इनको प्रैक्टिकल बनाती है, तो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर हम इनको कह सकते हैं, थोड़ी सी इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी। और लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ इनकी काफ़ी लंबी रहने वाली है, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लाइफ की दिखाई दे रही है। तो 85 से 90 के आसपास की लाइफ इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। फिंगर्स थोड़ी सी पॉइंटेड हो रही हैं आगे से, जिसकी वजह से एनालिटिक पर्सनैलिटी बनती है इनकी। हर काम को एनालिसिस करने के बाद ही करती होंगी, जल्दबाजी यह नहीं करती होंगी। कोई भी काम है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके ही शुरू करती होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड हम देख चुके हैं और काफ़ी क्लियर लाइंस हैं यहाँ पर, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। मून एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, मून का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया मून माउंट को मिल रहा है। तो ट्रैवलिंग भी लाइफ में इनको काफ़ी करनी पड़ेगी। यह कुछ एनालिसिस थे आलिया भट्ट के हैंड के मेरी तरफ से, और अभी तक जो मुझे पिक्चर्स मिली है सबसे क्लियर पिक यही थी। तो और अगर कोई अच्छी क्लियर पिक मुझे मिलती है तो दोबारा से भी मैं इनके एनालिसिस करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।